सूर्योदय मोटा पार्टी सुनने के बाद बोलता है सबको, आज सब 36,000 ही डोनेट किए हैं, ये बहुत छोटा अमाउंट है, मेरे हाथ में आने से कैसा दिखेगा ये। मोटा सोचता है मैंने लास्ट टाइम 72,000 मिला था मुझे, लेकिन अभी मुझे 36,000 ही मिला है। मैं ऐसा करता रहूं तो मेरा इनकम थोड़ा ज़्यादा होगा और फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे ऐसे स्टेज शो करने के बाद। लेकिन मोटा बोलता है लोगों की मदद करने से ये पैसा बहुत कम है, लेकिन फ्री से करने से तो बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि फ्री में जो काम होता है वो पैसा देकर भी करा जा सकता है, वैसे ही कुछ समझ लो गाइस। उसके बाद फ़ोन कॉल कर देखने लगता है किसने क्या डोनेट किया है, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम में भी बोलता है जिसको जो मर्जी है लाइव में डोनेट कर दीजिए। मोटा लाइव स्ट्रीम में बोलता है मैं पैसा लेकर बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, मैं जितना पैसा होगा मैं उनको गरीब लोगों को दान कर दूँगा। मोटा देखता है उसका लाइव, 10,000 लोग अभी लाइव देख रहे हैं उसका लाइव वीडियो को। वो मोटा बोलता है मैं पहली बार आज एंकरिंग कर रहा हूँ, और लाइव स्ट्रीम में जो चैट पढ़ने लगता है और सब उसको इमोजी और स्टिकर भेजने लगते हैं, और कोई कोई डोनेट भी करते हैं पैसे। और मोटा इंट्रो कहता है कि मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ, आप मुझे देख रहे हैं इस जगह से, मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, जो मुझे मिलना चाहता है यहाँ पर आ जाए, और मैं यहाँ पर जो लाच होगा, सॉन्ग होगा और जो डांसिंग होगा मैं उसका लाइव करके यहाँ पर डाल दूँगा, अब जिसको देखना है वह यहाँ से आकर देख ले, मैं मेरा बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँगा, मैं जितना अच्छा बना सकता हूँ। और बोलता है मैं अभी और एक वीडियो भी डाउनलोड कर रहा हूँ, वो अभी डाल रहा हूँ, लेकिन आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और कुछ समय के बाद मोटे के वीडियो ख़त्म होता है, बोलते हैं गाइज हमारा यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है, जिसको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताना। और वीडियो ख़त्म करके मोटा बात करने लगता है किसको मोबाइल पर, और मोटे के कुछ सब्सक्राइबर आते हैं वो मोटे को देखने के लिए, और उनको बात करने के बाद वो जाने लगता है, वो अभी तक भी बात कर रहा होता है। गाइस वो उसका बहन के साथ बोलता है कि मैं संघाई में हूँ अभी, उसको बहन को बोलता है तुम अच्छे हो बहन, मैं आज तुम्हारे घर पे जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाए लेकिन मैं जाऊँगा तुम्हारे घर को, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी जाकर तुम्हारे घर पे पहुँचता हूँ। जाकर एक बिल्डिंग के सामने पहुँच जाता है जिसमें उसकी बहन रहती थी, वो अंदर जाकर बोलता है बहन मैं आ गया, दरवाज़ा खोल दे। उसकी बहन दरवाज़ा खोलते है उससे अंदर आने बोलती है, उसकी बहन मोटे को देखकर चौंक जाती है, वो बोलती है तू इतना जल्दी इतना पतला कैसे हो गया, तू कुछ खाता पीता नहीं क्या, तू मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा भाई तो गोल्ड मेडल होता था, वो तुम इतना पतला कैसे हो गया, तू मेरा भाई नहीं हो सकता, उसका गाल पकड़ने लगता है। मोटा बोलता है तू कैसे है बहन, मोटा बोलता है तुम मुझे नहीं पहचान रही है, मैं तेरी भाई हूँ, तू बहुत पतली हो गई है बहन। उसके बाद मोटा मोटी के बहन के साथ जाता है और जूते रखने के लिए, और उसके बाद मोटी के बहन बोलती है तू जाकर रेडी हो जा खाने के लिए, मोटा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा मैं खा चुका हूँ। मोटी के बहन उसकी गाल खींचने लगती है, बोलती है तू नहीं खा रही है, तू बहुत कम खाता है इसलिए बहुत पतला हो चुका है अभी। मोटा की बहन बोलती है नहीं नहीं तू चल अभी खाएगी मेरे साथ, और बोलती तू बहाना मत बना, तू अब मेरे साथ जरूर खाएगा। और पीछे से एक किया कर बोलती तेरी बहन तेरा ड्राइंग से सेटिस्फाई नहीं है, तो बोलता है मिस भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ मिस भाई के बारे में बताने लगता है, ये एक प्रसिद्ध सिंगर है और ये बहुत ब्यूटीफुल और ये कॉन्सर्ट भी करते हैं कभी कभी, इसका नाम मिस भाई जी है। जो मिस भाई है वो बोलती है ये सब बकवास बातें छोड़ो, आकर मैं मछली बनाए आया आज खाओ, ये कैसा है मुझे बताओ अभी, ये बहुत अच्छा है बनाया है मैंने। मोटे की बहन बोलती है तू पहले जाकर हाथ धो ले फिर आगे खाना। मोटा सोचता है ये बहुत टेस्टी है, वो मोटा लाल टपकाने लगता है, उसके बाद मोटा जाकर हाथ धोने लगता है और सोचता है मेरी बहन पहले जैसी मोटी है अभी तक, मैं रिवन हो चुका हूँ, लेकिन मेरी बहन जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही है। रिवन का मतलब एक बार मरने के बाद जो जिंदा हो जाता है उसे रिवन बोला जाता है गाइस। जो मिस भाई होती है वो बोलती है मोटे तो जल्दी से हाथ धोकर आ जा खाने के लिए, मोटा बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ मेरा हाथ धोना हो गया है। उसका बाद मोटा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और देखता है कि
उसके सामने जो फास्ट फूड होता है वो देखकर चौंक जाता है। ये सब मेरे फैट बढ़ाने में मदद करेगा, कमाने में नहीं। मैंने अभी अभी 10 कैलोरी कमाया है, ये खाऊंगा तो फिर 10 कैलोरी बढ़ जाए। मोटा उसकी बहन को मस्का लगा रहा होता है कि तू बहन बहुत पतली है, तू ये खा ले तू बहुत अच्छी लगेगी, तू खा ले, मैं ये नहीं खा सकता अभी, तू जितना खाएगी मैं उतना दे दूंगा तू। की बहन बोलते नहीं, ये तेरे लिए बना था, मेरे लिए नहीं, ये आज का टेबल तेरा है। मोटा एक चम्मच और बर्तन पकड़ लेता है और बोलता है ये चिकन का स्वाद बहुत अच्छा है। मोटे की आत्मा निकल जाता है, वो बोलता है मैं ये नहीं खा सकता, लेकिन मैं मुझे रोक भी नहीं सकता। सब मोटा मन में सोच रहा होता है, लेकिन मोटा जो बर्तन पकड़ रही होती है उसकी बहन उसमें सब जो चीज़ बनाई थी एक 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 करके एक पहाड़ बना देती है खाने की। मोटे की बहन बोलती है मैं पता है मुझे ये तुझे सफिशिएंट नहीं है, तू जल्दी से ये खा ले, मुझे हंडी में और भी है मैं तुझे दूंगा। मोटा बोलता है नो मीन्स नो, मैं ये नहीं खा सकता, मैं भी वजन कमा रहा हूँ मेरा। मोटा एक मंक बन जाता है जो कि सिर्फ शक्ति के मार्ग में चलेगा, पर खाना फैट होगा वो उससे मुड़ जाएगा उस रास्ते में। मोटी की बहन बोलती तू नहीं पिएगा ना, रुक मैं तुझे दिखाता हूँ, और एक कोका कोला खोलकर एक ग्लास में भरने लगती है। तब सोचता है ये जो ग्लास भरने की जो साउंड ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत आनंद दे रहा है। की बहन उसके सामने ही एक ग्लास पीती है और उससे बोलती है तू ले पी, बहुत अच्छा लग रहा है ये, और उसके मुंह के सामने करती है। मोटा बोलता है मैं तो नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके हाथ से लेकर खुद पी लेता है और डकर भी मार लेता है, इतना बेशर्म है गाइस। मोटा उसके बाद ग्लास की तरफ देखता है, वो बोलता है मैंने पी लिया, और वो चक्कर आकर गिर जाता है उसके बहन के ऊपर। मोटे की बहन बोलती है ये मेरा भाई है, यहाँ पर आए हो इसलिए मैं हमारा फोटो ले रहा हूँ मम्मी को दिखाने के लिए। इस भाई होती है वो हंसने लगता है और मोटा बोलता है मैं हेट करता हूँ तुझे बहन, तुम बहुत कुतिया है। मोटे की सिस्टम में और एक मिशन ट्रिगर होता है एक फोटोग्राफर बनने के लिए। मोटा चौक जाता, मोटा सोचता है मुझे क्या है ये सिस्टम, गजब गजब का सन देता है। मोटा फोटोग्राफर की क्या क्या काम है उसका सिस्टम में पढ़ने लगता है, और मोटा पढ़ता है कि मोटा 100 पब्लिक प्लेस में जाकर फोटो निकालेगा और उसके बाद उसे 100 पॉइंट मिलेगा, फिर इसे 100 पिक्चर काटने के बाद वो जोड़ के 1000 पॉइंट बना लेगा मोटा। इसका मतलब है गाइस मोटा 100 प्लेस में जाएगा, 100 एक एक करके पिक्चर निकालेगा, एक पिक्चर में उसे 100 पॉइंट मिलेगा, 100 पॉइंट मिलेगा वो 1000 बनाने के लिए 10 आदमी की बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर निकालने पड़ेगा। उसके बाद मोटा उसे उसका पॉइंट मिलेगा फ्रेंड्स के लिए 2, और जो स्माइल करने के बाद जो फोटो उठ गया उसे पॉइंट मिलेगा 2, और प्रेजेंस जोड़ के बाद 2 से इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा तो उसे सब प्रेजेंस उसका मिलेगा। उसका स्कोर 1000, पावर जोड़ 2, प्रेजेंस 3 हो जाएगा। उसके बाद मोटे को सब आसान लगने लगेगा। मोटा सोचता है फोटोग्राफर तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन एक बात है, लेकिन उसका प्राइस बहुत अच्छा है, कोई ख़राब बात नहीं है। 100 सेलिब्रिटी को मैं कैसे मिल सकता हूँ, मेरी बहन तो एक मिल गई, लेकिन सब तो मेरी बहन नहीं हो गए ना। उसी समय मिस पाए बोलती है तुम बहुत अच्छा दिख रहे हो तुम दोनों। उसके बाद मोटा जाकर उन दोनों को फोटो निकालने लगता है, उन दोनों का मतलब मोटा और मिस पाए। इस भाई बोलते है तुमने हमारा फोटो क्यों निकाला, मोटा हंसकर बोलता है मैंने आपका एक ही फोटो तो लिया है, आप इतना चौंक क्यों रहे हो। का सिस्टम उसके सामने चला आता है और उसे में देखता है कि उसका जो यूरन के साथ फोटो निकालना होता है वो 2 में कंप्लीट हो जाता है, उससे 98 हीरोइन के साथ और फोटो निकालना है। उसके बाद मोटा सोचता है मैंने नहीं सोचा था मिस भाई के साथ फोटो निकालने के बाद भी एक और पॉइंट जोड़ा जाएगा, मैंने सिर्फ सोचा मेरे बहन के साथ ही फोटो निकालने के बाद एक ही पॉइंट जोड़ा जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट जोड़ा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कि बहन छोटे बात क्या है, मैं जल्दी के खा जल लेता हूँ फिर जाकर देखता हूँ क्या है बात है। इस भाई होते है वो टाइम देखने लगते हैं और बोलते मेरा टाइम हो चुका है, मैं आज रात में नहीं खाऊंगा, यहाँ नहीं खा सकता, लेकिन मैं अगली बार जरूर खाऊंगी, मेरा टाइम हो चुका है, मुझे और कोई एक जगह में जाना है,
थैंक यू मुझे बोलने के लिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर आते हुए बहुत टाइम हो चुका है, तब सोचता है मैं इससे साथ जा सकता हूँ। ये जहाँ पर जा रहे हैं मिस भाई, यहाँ पर तो जिस जहाँ जगह पे वो जा रहे वहाँ पर तो एक ना एक तो हीरोइन होगा। मैं एक कैप पहन लेता हूँ, मुझे कोई नहीं देख पाएगा, मैं इसके साथ जा सकता हूँ, जो होगा मैं देख सकता हूँ, एक एक करके फोटो भी निकाल सकता हूँ, मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। गाइस यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो। गाइस मैं इस न्यू ईयर में कुछ वीडियो नहीं ला पाया, मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए आप मुझे माफ कर देना। तो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सायोनारा। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफान, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया।